नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन शेयर जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, भारती एयरटेल, टीसीएस, इंफोसिस, एसएल टेक, एवेन्यू सुपरबार, डॉक्टर रेड्डी, एबेटो इंडिया, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, पिडलाइट, अतुल लिमिटेड, एसपीआई कार्ड, पीआई इंडस्ट्री, ये सारे शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आप चाहते हैं कि एक अच्छा मल्टीबैगर पोर्टफोलियो बनाएं, साथ साथ वैसे शेयर का पोर्टफोलियो बनाए जिसे हम बाय एंड फॉरगेट टाइप वाले हो, मतलब सिर्फ कंपनी के सेल्स पे नज़र रखना है, कंपनी के जो भी न्यूज आता है उस पे नज़र रखना है कि कंपनी के बिजनेस प्रभावित नहीं हो, और अपना इस सारे स्टॉक के पोर्टफोलियो बनाते हैं आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न भी मिलेगा, अच्छा डिविडेंड भी मिलेगा और आप चेन की नींद से सो पाएंगे। तो ये बेहतरीन पोर्टफोलियो वाले स्टॉक हैं और सारे के सारे जो अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं। दोस्तों सबसे पहला है रिलायंस इंडस्ट्री। अभी इसका करेंट प्राइस देखते हैं, लगभग 2000 रुपीज़ है, 1998 रुपीज़ है, लगभग 2000 का प्राइस है। ये स्टॉक मैंने उस समय आपको बताया था जब ये 1300 रुपीज़ का हुआ करता था। कई बार इस पर हमने वीडियो बनाया है और इसका अगर आप देख लीजिए 6 मंथ का चार्ट तो देखते हैं ये स्टॉक यहाँ पर देखते हैं 1700 रुपया था, यहाँ से ये जर्नी तय किया 2300 रुपया का और फिर वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्शन पर यह स्टॉक मिला। देखते हैं 1850 रुपीज़, इस समय भी हमने वीडियो बनाया था कि जब भी गिरावट में मिले तो आप इसमें बाय कीजिए, जब भी आपको 1800 उसके नीचे कभी भी मिलता है तो आप इसमें SIP मोड में बाय करते रहिए। काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मतलब आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो बाय ऑन डिप्स वाले स्टॉक है, बाय ऑन डिप्स करते रहिए। अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिया है, 3900 मतलब 4000 का लगभग रिटर्न दिया है 2002 से लेकर 2020 तक में, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है और काफ़ी मतलब स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो ऐसी बड़ी कंपनी अगर आपको इतना अच्छा रिटर्न देती है, इतनी बेहतरीन रिटर्न देती है, आने वाले समय में और ज्यादा बेहतरीन रिटर्न देगा रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको। दूसरा है भारती एयरटेल। ये स्टॉक अभी है 510 रुपीज और ये 400 तक आया था, उस समय भी हमने वीडियो बनाया था कि आप इस स्टॉक में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस पे हमने कई बार बताया है कि आने वाला जो समय है वो डाटा का है, आने वाला जो समय है डाटा का है, डाटा में आपको जियो तो मिल नहीं रहा, जियो के लिए आपको रिलायंस ही बाय करना पड़ेगा। तो दूसरा जो स्टॉक है जिसके लिए आप बाइंग कर सकते हैं डाटा के लिए, मतलब आने वाले समय में काफी ज्यादा इंटरनेट का डिमांड बढ़ेगा, इंटरनेट के थ्रू काफ़ी सारे एक्टिविटी होंगे तो डाटा का डिमांड बढ़ेगा, तो वैसे में कौन सी कंपनी है जो डाटा प्रोवाइड करने में सबसे अव्वल नंबर में से है, वो है एयरटेल। और एयरटेल एक MNC कंपनी है, अफ्रीका में भी इसका बिजनेस है और काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। लॉन्ग टर्म देखिए 5000% का रिटर्न दिया है 2002 से लेकर के 2020 तक में। उसके बाद तीसरी कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड। दोस्तों IT सेक्टर आज का सबसे मतलब सनराइज सेक्टर है, एक सनसेट सेक्टर होता है एक सनराइज, तो जो सनराइज सेक्टर है जैसे अभी जो है आपको जो भी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, मतलब जो आपको मोबाइल से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक सामान से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट मेकिंग कंपनी, ये सब सनराइज सेक्टर है। और जो आपको मतलब ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सारी सनराइज सेक्टर वाले स्टॉक है, तो उसमें आप जरूर इन्वेस्ट करें। तो वही टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट जो भी कंपनियां बनाती है वो सारा सनराइज सेक्टर है, इस सेक्टर में आने वाले समय में और ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। तो इन सब स्टॉक में आप चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ चार्ट पे आपको 2004 से अभी तक का रिटर्न दिखाते हैं इस शेयर का, तो है 2270% का रिटर्न। और दोस्तों बता दें साथ ही साथ ये डिविडेंड आपको काफ़ी शानदार देता है, 1.40% का डिविडेंड देख सकते हैं। जब शेयर प्राइस अपने 52 का हाई पे है तो आपको इतना परसेंट दिख रहा है, नहीं तो ये 2% का डिविडेंड और इतना बेहतरीन स्टॉक 2% का आपको डिविडेंड दे रहा है, अब क्या चाहिए आपको स्टॉक में। ऐसे बेहतरीन स्टॉक जो 2% का आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न दे रहा है, साथ ही साथ आपको ग्रोथ में इसमें मिलता है और बोनस शेयर तो भरमार, ये सारी IT कंपनियां जो होती है, जो लीडिंग IT कंपनियां है, बोनस शेयर आपको रेगुलर इंटरवल पर देती है, तो ये आपको 2000% का रिटर्न दे रहा है, बहुत अच्छा रिटर्न है क्योंकि ये आपको बोनस शेयर के रूप में आपके शेयर को काफी मल्टीप्लाई करते जाता है। वहीं दूसरी जो IT कंपनियां है, IT सेक्टर आपको जैसा बोला सनराइज सेक्टर है, काफी ग्रोथ होने वाला है आने वाले समय में, तो इंफोसिस दूसरे नंबर की कंपनी है, TCS पहले नंबर की, और ये स्टॉक भी देख लीजिए कितना बेहतरीन रिटर्न दिया है, 7400% का रिटर्न। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी करंट पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा बोनस शेयर देने वाली कोई कंपनी है तो वो है इंफोसिस, और रिटर्न भी
देख लीजिए 8000% का, साथ ही साथ डिविडेंड देख लीजिए 1.81% का डिविडेंड यील्ड, मतलब लगभग 2% का डिविडेंड यील्ड। ये शेयर 500 पर जब मिल रहा था उस समय मैंने आपको बताया था, 600 पर 700 पर बताया था उस समय लिए रहते तो आपका डिविडेंड यील्ड भी अभी 4% रहता, मतलब जो करेंट प्राइस होता है उसके अनुसार आप जिस प्राइस पर बाय किया उसके अनुसार तो आपका डिविडेंड यील्ड 4% होता। तो समझ जाइए एफडी के बराबर आपको डिविडेंड के रूप में रिटर्न, साथ साथ ग्रोथ, साथ साथ बोनस शेयर का भरमार। तो जो आईटी कंपनी है वो बोनस शेयर काफ़ी ज़्यादा देती है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बोनस शेयर मिलने वाले हैं इन सारे स्टॉक्स में। उसके बाद तीसरी कंपनी जो है आईटी सेक्टर से, जो कि आपको मतलब आप ये सारे स्टॉक आपको पोर्टफोलियो होने चाहिए। जैसे हमने आईटी सेक्टर का 3 स्टॉक बताया, तो 3 में से कोई एक आप रख सकते हैं, तीनों रखना ज़रूरी नहीं है, या आप 2 रख सकते हैं। तो ये तीनों स्टॉक जो है मतलब एक से बढ़कर के एक है, कोई किसी से कम नहीं है तीनों स्टॉक्स में से। अगर एसएल टेक्नोलॉजी की बात करें, इसका भी देख लीजिए लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न, तो यहाँ पर देख लीजिए 627% का रिटर्न 2020 से 2020 तक में। लेकिन यहाँ पर 2000 इसमें शेयर प्राइस काफ़ी हाई था, लेकिन अगर आप यहाँ पर गिरावट में बाय करते 2001 में तो काफ़ी ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता, देख लीजिए 4300% का रिटर्न। और ये आने वाले समय में एसएल टेक्नोलॉजी आपको काफ़ी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने वाला है। ये स्टॉक जब 400 का था तब ने हम आपको हमने बताया था उस समय अगर आप बाय करते देख लीजिए डिविडेंड यील्ड 1.12%, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इसका डिविडेंड यील्ड आपको लगभग 2.5% उस समय आपको मिलता आपके प्राइस पर। तो काफ़ी बेहतरीन सारे स्टॉक्स हैं ये तीनों के तीनों, कोई भी अच्छा मतलब रिटर्न आपको दे सकता है आने वाले समय में, तीन में से कोई भी ज़्यादा अच्छा बेटर रिजल्ट आपको दे सकता है। उसके बाद अगली कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्ट। तो जो आईटी सेक्टर के 3 कंपनियाँ बताएं उसमें से कोई 2 लीजिए चाहे 1 लीजिए, क्योंकि आपको हर सेक्टर से हम अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता रहे हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट देखते हैं 2640 रुपीज़। कई सारे लोग बताएंगे रिलायंस रिटेल के कारण ये बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस में आपको सब कुछ दिख रहा है। कंपनी का शेयर प्राइस 2000 के लेवल को ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पर देखते हैं कि ये 2000 के नीचे तो आया था लेकिन कभी भी इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं किया, और लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें कितना सॉलिड है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स ही आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देंगे, और ये जो आईपीओ में जो जिसने भी इन्वेस्ट किया था उनको मल्टी बैगर रिटर्न मिल चुका है। 300 रुपीज आईपीओ प्राइस था, वहां से आप देख सकते हैं 8 times का रिटर्न। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन शेयर जब भी गिरावट में मिले तो जरूर बाय करना चाहिए, क्योंकि ये जो शेयर है वो स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े जो दिग्गज है, जो लीजेंड इन्वेस्टर है राधा कृष्ण दमानी, उनका कंपनी है और उनका स्टेक इसमें 75% है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स तो आपको गिरावट में बाय करने ही चाहिए, जब भी गिरावट में मिलता है तो बाय कीजिए, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, कंपनी का जो बिजनेस है काफ़ी बेहतरीन है। उसके बाद अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी, जो अभी मतलब कोरोना वैक्सीन है उसके कारण भी न्यूज में है, जैसे डॉक्टर रेड्डी, एस्ट्राजेनिका, फाइजर, ये सारी कई कंपनियां हैं जो कि वैक्सीन के न्यूज में है, मतलब वैक्सीन के रेस में है। जो कंपनियां ज़्यादा अच्छा वैक्सीन लेके आती है, जल्दी लेके आती है, उसे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला और उसके शेयर होल्डर को बहुत बड़ी मतलब लॉटरी लगने वाली है। अगर इस शेयर का रिटर्न देखें तो 1999 से 2020 में 8400% का रिटर्न दिया, एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये स्टॉक भी जब 4000 का हुआ करता था उसी समय से मैं आपको रिकमेंड करता आया हूँ। तो ये स्टॉक भी जब भी गिरावट में मिले तो आप जरूर बाय कीजिए। पिछले वीडियो में हमने एक वीडियो में बताया था इसका 6000 तक ही ईजिली जा सकता है। उसके बाद अगला है अबेटो इंडिया। अबेटो इंडिया ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, जो फार्मा सेक्टर उसके सेक्टर से लुपिन हो गया, सिप्ला हो गया, अबेटो इंडिया हो गया, कई सारे फार्मा सेक्टर के स्टॉक है, फार्मा बहुत सारे स्टॉक है, तो काफ़ी सारे बेहतरीन सारे स्टॉक है इस फार्मा सेक्टर में। अगर इसका रिटर्न देखें तो देख लीजिए 3097%, मतलब 3100% का रिटर्न दिया है, काफ़ी बेहतरीन है। और चार्ट देखिए कितना सॉलिड है, लगातार अप ट्रेंड में ये स्टॉक है। फार्मा सेक्टर 2015 से अंडर परफॉर्म था, लेकिन इस स्टॉक में आपको चार्ट में कुछ भी नहीं दिखेगा कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म रहे 15 से, मतलब फार्मा सेक्टर के। तो एबेटो इंडिया काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, अभी करेंट प्राइस 16180 रुपीज़ है। तो जब भी ये 14000 उसके आसपास मिलता है तो आप जरूर इसमें बाइंग करें, जरूर इन्वेस्ट करें। उसके बाद अगला है बजाज फाइनेंस। फाइनेंस सेक्टर का लीडिंग स्टॉक, जब
पैंडमिक आया था तो काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि फाइनेंस सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म रहने वाला है, बैंकिंग सेक्टर काफ़ी अंडर परफॉर्म रहेगा, लेकिन अभी भी जो बैंकिंग सेक्टर स्टॉक है अंडर परफॉर्म है, लेकिन जो ये लीडर स्टॉक है फाइनेंस सेक्टर के, ये अपना 52 वीक हाई पे है, देख सकते हैं अपना 52 वीक हाई, काफ़ी ज़्यादा इसमें गिरावट आई थी। ये स्टॉक आपको 1800 पर मिल रहा था, वहाँ से समझिए ये 3 times हो चुका है, आप 18 × 3 कर दीजिए तो हो जाएगा 5400 और ये उसके करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी गिरावट मिले ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि इसका रिटर्न देखिएगा तो आप भी चौंक जाएंगे, देख सकते हैं 90,000% का रिटर्न। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक गिरावट में मिले तो आपको इन्वेस्ट करने से चूकना नहीं है, तो जब भी आपको गिरावट मिलता है बाय ऑन डिप्स करना है। अगला स्टॉक है हमारा HDFC, जो बजाज फाइनेंस है, बजाज फिनसर्व है, उसी तरह से HDFC ग्रुप में HDFC लिमिटेड हो गया, HDFC बैंक हो गया, ये दोनों स्टॉक HDFC ग्रुप के और दोनों स्टॉक बजाज ग्रुप के काफ़ी बेहतरीन है। जब भी गिरावट मिले इसमें आप आंख बंद करके निवेश कर सकते हैं और आराम से चैन की नींद आप सो सकते हैं। ये स्टॉक भी देखिए अपने 52 वीक हाई को टच करने वाला और इसका रिटर्न देखिए तो 9800 मतलब 10,000% का रिटर्न। दोस्तों ऐसे ब्लू चिप कंपनियां आपको 10,000% का रिटर्न दे रही है, जिसमें आप एकदम चैन के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आराम से रिलैक्स से आप जो है इन्वेस्टेड रह सकते हैं, मतलब इसमें आपको कोई घबराहट नहीं होगी कल कंपनी बर्बाद हो जाएगी एकाएक, ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो ऐसे बेहतरीन शेयर में आप जरूर इन्वेस्ट करें जब भी गिरावट मिलता है। इन सारी कंपनियों आपको अच्छे डिविडेंड भी देखने मिलेंगे, 0.85% का डिविडेंड यील्ड है। उसके बाद HDFC बैंक, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, HDFC बैंक में देख लीजिए इसका भी रिटर्न काफ़ी शानदार है, यहाँ पर आप देख लीजिए रिटर्न 26,000% का रिटर्न, मतलब लगभग 27,000% का रिटर्न है। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक आपको बहुत ही कम देखने मिलेंगे शेयर मार्केट में, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न बना सकते हैं, तो ऐसे स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करें जब भी गिरावट में मिलता है। तो उसके बाद एशियन पेंट आप जानते हैं कि एशियन पेंट जो है अपना बिजनेस जो है काफ़ी मोनोपोली क्रिएट करता है, मतलब प्रोडक्ट जो है मार्केट में काफ़ी डिमांड में है और स्टॉक देखिएगा तो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक पर हमने इंडिविजुअल वीडियो भी बनाया था, टेक्निकल चार्ट पे दिखाया था कि ये स्टॉक इतना सॉलिड है कोई भी पैंडमिक आया हो अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, देख सकते हैं कभी भी गिरावट आया और इसने पिछले लो से नीचे नहीं गया, मतलब कोई भी पैंडमिक हो पैंडमिक का असर इस स्टॉक पे नहीं पड़ता है। और अगर लॉन्ग टर्म में रिटर्न की बात करें 23,000% का रिटर्न दिया है 20 साल में। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट किया, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है काफ़ी बेहतरीन है, मार्केट में काफ़ी डिमांड है, काफ़ी सॉलिड प्रोडक्ट है इस कंपनी का। उसके बाद अगला है हमारा पीडीलाइट इंडस्ट्री भी काफ़ी बेहतरीन शेयर में से एक है। अगर हम मैक्सिमम ईयर की बात करें तो कंपनी का रिटर्न देख लीजिए तो पीडीलाइट इंडस्ट्री का 27,000% का रिटर्न काफ़ी बेहतरीन है। करेंट प्राइस है 1729। बहुत सारे लोग पूछेंगे किस प्राइस पर बाय करें, तो जब भी गिरावट मिलता है मार्केट में, जब भी गिरावट है तो पीडीलाइट और एशियन पेंट में आप आराम से बाय कर सकते हैं। जैसे इसका करेंट प्राइस है 2500, इसको आप वीडियो हमने उसी समय बनाया था जब ये 1700 मतलब 1700 के आसपास था, उस समय से बताया था कि इन दो स्टॉक्स में आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पीडीलाइट फेविकॉल आपने सुना होगा, तो इसके भी प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और मार्केट में हमेशा डिमांड में रहते हैं, तो इन दो स्टॉक्स में आप जब चाहें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है हमारा अतुल लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, काफ़ी सॉलिड स्टॉक है, कंपनी के पास रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है और रिजर्व है तो आपको कभी भी बोनस शेयर दे सकता है, स्टॉक स्प्लिट कर सकता है और इसका रिटर्न देखिए 29,000% का रिटर्न। तो 20 इयर्स में 29,000% का रिटर्न, ऐसे बेहतरीन कंपनी जब भी मिले जरूर इन्वेस्ट करें। स्पेशलिटी केमिकल का स्टॉक है, स्पेशलिटी केमिकल काफ़ी ज़्यादा मतलब रिटर्न दिया है, कई कंपनियां आरती इंडस्ट्री, अतुल लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, काफ़ी सारी कंपनियां हैं इस सेक्टर की जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दिया है इन्वेस्टर को। अगला हमारा SBI कार्ड पिछले साल ही लिस्ट हुआ है और ये IPO में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था काफ़ी उन्हें परेशानी झेलना पड़ा। अभी ये शेयर देख सकते हैं कि 750 इसका IPO का प्राइस था, जबकि ये मात्र वहां से 100 रुपीज अप है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक
आपको आगे चल करके काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देंगे, क्योंकि पैंडमिक से इनका बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ है। क्योंकि जो SBI कार्ड में हम कार्ड यूज कर वो क्रेडिट कार्ड वो हमारा जो यूज होता है मेट्रोपॉलिटिक सिटी में, तो जो मेट्रोपॉलिस सिटीज है उसमें आप जानते हैं कोरोना वायरस का इनका काफ़ी प्रभावित है बिजनेस, जिसके कारण इस कंपनी का भी प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन आया, क्योंकि बहुत सारे जो जॉब है बहुत सारे लोगों के जॉब छूट गए, जिसके कारण उनका जो सेविंग था वो खर्च हो रहा है। तो जब जॉब से सैलरी नहीं आ रहे तो वो खर्च कम कर दिए, ऐसे में वो क्रेडिट कार्ड का यूज करना कम कर दिए। तो दोस्तों ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है, SBI कार्ड में चाहे तो आप एवरी गिरावट पे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है हमारा PI इंडस्ट्री, ये भी काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो भी केमिकल यूज होते हैं कीटनाशक के रूप में, उन सारे चीज़ों वह सारे प्रोडक्ट बनाने वाली ये सब कंपनियां हैं, UPL हो गया, PI इंडस्ट्री हो गया, बेयर कॉप साइंस हो गया, ये सारे बेहतरीन स्टॉक्स हैं। और इसका देखिए 10 साल में रिटर्न 3000% का रिटर्न मात्र 10 ईयर्स में, मतलब आपका जो रुपया हर साल 3 गुना किया है। तो ऐसे बेहतरीन शेयर जब भी गिरावट मिलता है इन्वेस्ट कीजिए, हर गिरावट पे बाय है, हर डिप पे बाय है। और अगर आप पोर्टफोलियो बनाने में पहले दिक्कत आ रहा था, ये सारे स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर बिगनर्स हैं तो ये सारे स्टॉक्स के पोर्टफोलियो जब आप बनाएंगे तो काफ़ी सेफ महसूस करेंगे और अच्छा रिटर्न, एक मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले समय में प्राप्त करेंगे। और ये सारे स्टॉक कब बाय करना है, जब मार्केट में गिरावट है, कभी भी मार्केट में करेक्शन आता है उस समय आपको बाइंग करना है इन सारे स्टॉक्स में। अगर आप डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर के साथ जुड़ सकते हैं, जिसे मैं पर्सनली खुद यूज करता हूं और आपको वही रिकमेंड करता हूं जिसे मैं पर्सनली यूज करता हूं। काफी अच्छा ब्रोकर है और आप देख सकते हैं यहां पर कि आपको 0 डिलीवरी चार्जेस लगेगा इंट्राडे में। अगर और फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो ₹20 पर ट्रेड लगेगा, और जो डिलीवरी में आपको ये स्टॉक्स लेते हैं तो आपको कोई चार्ज वहां पर नहीं लगना है, मतलब कोई भी ब्रोकरेज आपको वहां पे नहीं करना पड़ेगा ब्रोकर की तरफ से। तो दोस्तों ये बहुत ही बहुत अच्छा है, अगर आप जीरोधा में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया तो जरूर ओपन कर ले। साथ साथ बता दें कि यहां आप पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं GTT ऑर्डर के रूप में, तो काफी अच्छा ब्रोकर है, जरूर जुड़िए जीरोधा के साथ।